हमने सब ने मिल के राजकरण जी चौधरी का नाम सुझाया, काजी निजामुद्दीन जी को आत्म विश्लेषण करना चाहिए, अनिल शर्मा जी को, और अपनी कार्यशैली को सुधारना चाहिए, और ये कमज़ोर नेतृत्व की निशानी है। विधायक जी को क्या प्रॉब्लम है हमको, ये तो आप विधायक जी से पूछिए। सरदार शहर कांग्रेस के अंदर पिछले कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, ये लगातार दिव्य न्यूज़ कह रहा था और ये आज जग जाहिर हो गया। आज सरदार शहर का कांग्रेस का एक दड़ा है वो काजी निजामुद्दीन से मिला, जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे मिलकर सरदार शहर की वास्तविक स्थिति को बताया है और ये कहा है, और विधायक पर साफ साफ गंभीर आरोप लगाए हैं कि विधायक है वो स्थानीय जनप्रतिनिधि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसके साथ ही एक बात और इसमें ऐड करते हुए कहा कि वर्तमान में यदि उन्हीं विधायक को टिकट मिलती है तो कांग्रेस यहाँ से सीट हार सकती है, ऐसे में सीट को भी बदला जाए। हमारे साथ सेवादल के जिला अध्यक्ष संजय जी हैं, जो कि पिछले लंबे समय से ये गुट बना हुआ है दूसरा, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसके साथ ही उनके प्रमुख रणनीतिकार भी हैं। तो आज फिर से साबित हो गया कि कांग्रेस में सही नहीं चल रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में एक गुट जाके मिला है। निश्चित ही आज हम काजी निजामुद्दीन जी, जो हमारे प्रभारी हैं राजस्थान के, वो आज फीडबैक लेने के लिए चूरू पधारे थे, और हम हमारे सभापति राजकरण जी चौधरी के नेतृत्व में बहुत सारे हम संगठन के लोग और जनप्रतिनिधि उनसे अपनी बात करने के लिए गए थे। उन्हें हमने बताया कि ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें ज़्यादा कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इनमें सुधार की गुंजाइश है। बाकी सिर फुटावल जो आप नाम दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, राजकरण जी चौधरी के नेतृत्व में शहर में बहुत अच्छे काम हुए और कार्यकर्ता अपनी अनदेखी से रुष्ट है। अपने परिवार में हमको बताना चाहिए, अपने नेताओं को, ये लोकतंत्र का कायदा है। तो हम गए हैं अपनी पीड़ा को रखने के लिए, बाकी हमारा किसी से विरोध और किसी से कुछ नहीं है। हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, और मेरा फर्ज भी बनता है, सेवा दल का जिलाध्यक्ष हूँ मैं, इसलिए मुझे बताना चाहिए काजी जी को या बड़े नेताओं को कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से देखा गया लगातार राजकरण चौधरी निशाने पर हैं, किसी न किसी बहाने से टारगेट किया जा रहा है, इससे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं नुकसान होगा सरदार शहर में? राजकरण चौधरी जी अचानक से ही खराब हो गए, ऐसा क्या हो गया मेरे को समझ में नहीं आता। क्यों इस तरह की, विधायक जी को रोकना चाहिए इस तरह की कृत्यों को, वो पार्टी को नुकसान करेंगे वो लोग, और ये अंतोगत्वा विधायक को नुकसान करेंगे। हमारे पास जब पंडित जी थे तो हमारे पास पंचायत समिति भी थी, उसके बाद में हमारे से पंचायत समिति छिन गई, कांग्रेस का ही एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हमको छोड़ के चला गया। किन्हीं परिस्थितियों में डैमेज कंट्रोल होना चाहिए था, उसके बाद में विधायक जी की कार्यशैली से नाराज हो गए। ईश्वर जी डूडी जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, देहात के भूत चले गए। ताराचंद सारण जो कभी बहुत नज़दीक हुआ करते थे पंडित जी के, वो नेपथ्य में आज हैं, वो नेपथ्य में आज, हाँ वो नेपथ्य में है, और उनको शीर्ष नेतृत्व ने अगर उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बना दिया तो ऐसी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। तो आपको कार्यकर्ताओं को साथ रखना चाहिए। अब आप देखिए विडंबना कि कभी भी कांग्रेस 4,000-4,500 वोटों से शहर में ऊपर नहीं रही है, और हम सब कार्यकर्ताओं ने पंडित जी के जाने के बाद पहली बार कांग्रेस को 8,000 से ऊपर मतों से लीड दिलवाई है शहर में, वो राजकरण चौधरी के ही नेतृत्व था।
तब तो वो बढ़िया काम कर रहे थे, सड़कें बन रही थी, नालियां सब सब कुछ ठीक था। अचानक से ये क्या हो गया? आत्म विश्लेषण करना चाहिए अनिल शर्मा जी को, और अपनी कार्यशैली को सुधारना चाहिए। और वो जो गुमराह करते हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं है, वो लोग उनकी गाड़ियों में विराजते हैं, उन्हें उनको दूर करना होगा। गलत सलाह देने वालों को आप अगर दूर रखोगे, और जो पार्टी के लिए कार्य करते हैं जो कार्यकर्ता, उनको आगे लाना चाहिए। मेरा कोई विरोध नहीं है व्यक्तिगत उनसे, पार्टी की हित की बात के लिए मैंने अपनी बात कही आपको। जिस प्रकार से कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ जाट जाट ही उस गुट के अंदर शामिल है, जिस गुट का नेतृत्व राजकरण चौधरी कर रहे हैं, आज कौन लोग मिले थे? क्या सभी जाट थे आपके साथ? केवल आप एक ब्राह्मण थे या फिर अन्य जाति के लोग थे? कांग्रेस जाति में विश्वास नहीं करती है मेरे दोस्त। कांग्रेस सभी धर्मों को, सभी का सम्मान करती है। राजकरण जी का नेतृत्व है क्योंकि सभापति हैं। मैं ब्राह्मण हूँ। बालेखा जी चायल गए थे हमारे साथ में, मानखा जी थे, और एक पार्षद है हमारे युवा आसिफ खोकर, एक और हैं आरिफ भाटी, वो भी गए थे। सतपाल मेघवाल हैं जो हमारे क्रय विक्रय सहकारी समिति के उपाध्यक्ष हैं, वो भी गए थे। तो ये जातिवाद का आरोप मैं नकारता हूँ सिरे से, और जातिवाद पे कांग्रेस कभी विश्वास नहीं करती। आपने टिकट बदलने की मांग की है, क्या चुनाव हार सकती है मौजूदा विधायक के साथ यदि कांग्रेस उतरती है तो? हमने ये कहा है कि अगर इन परिस्थितियों को डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया बड़े नेताओं के द्वारा, तो निश्चित रूप से अगर कोई साथ नहीं होगा, आप धक्के देके किसी को बाहर निकालेंगे, आप अपमान करेंगे, चाहे वो सभापति हो, चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे कोई जिला परिषद का सदस्य हो, आप इस तरह के इन चीज़ों को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो हार तो निश्चित ही है। इसमें गलत क्या है? और ये सुध बताना कोई गुनाह थोड़ी है। हम तो कांग्रेस के भले के लिए गए थे उनको बताने के लिए। सर, मौजूदा स्थिति ऐसी आई क्योंकि लगातार मीडिया में खबरें चल रही थी कि कांग्रेस में सब कुछ नहीं चल रहा है। दिव्य न्यूज़ भी आपने देखा लगातार बोल रहा था। आपको नहीं लगता कि समय रहते इसे डैमेज कंट्रोल करना चाहिए था, इस ओर ध्यान देना चाहिए था? जिस प्रकार से एक के बाद एक कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता छिटक भी रहे हैं, कांग्रेस से दूसरे दलों में भी जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? देखना चाहिए था आलाकमान को? निश्चित रूप से ये हमारी कमी रही है कि हमने समय रहते आलाकमान को अवगत नहीं कराया। ये हमारा पहला प्रयास है। आगे जाके हम कोशिश करेंगे, आलाकमान को बताएंगे कि अगर ऐसी स्थिति रही तो हमें नुकसान होगा। भाई, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम विधायक के साथ रहें सब। विधायक जी को क्या प्रॉब्लम है हमको, ये तो आप विधायक जी से पूछिए। हमने नहीं, आपके सर जैसे सहकारी समिति के चुनाव के दौरान भी आपके कांग्रेस के लोग थे, अलग हो गए, राजकरण जी के ऊपर लगातार निशाना बनाया जा रहा, आप देख रहे होंगे। ये कमज़ोर नेतृत्व की निशानी है, ऐसी कोई वजह नहीं है। लाल चंद चिरंग कट्टर समर्थक थे मोहनलाल शर्मा जी के, उनका पूरा परिवार 50 सालों से मोहनलाल शर्मा जी का कट्टर समर्थन। राजकरण चौधरी जी, मोहनलाल जी चौधरी जी, पूरा परिवार इन्होंने अपनी जीवन खपा दिया उनके लिए। ऐसा क्या हो गया कि चुनाव के बाई इलेक्शन के 4 महीने बाद में राजकरण चौधरी खराब हो गए? ये बहुत खराब बात है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पार्टी को नुकसान करें और उनको प्रोत्साहित करें। ये तथाकथित मेरे को नहीं समझ में आता है। इस तरह की कोई नगर नगर कांग्रेस अध्यक्ष की कोई पोस्ट अभी है मेरे को कहीं नहीं लगता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। ये एक पोस्ट थी, PCC ने भंग कर दी उसको, दोबारा बने सिर्फ ब्लॉक अध्यक्ष बने। तो इस तरह के लोग अगर ये अपना दुरुपयोग लिखते हैं पद का नाम लेके, और छीटाकसी करते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, मेरे को तो कहीं नहीं लगता कि राजकरण जी चौधरी ने अगर 4 महीने में भ्रष्टाचार कर लिया, और पहले 2.5 साल तक सब ठीक था। पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश है, विधायक जी को रोकना चाहिए उनको। देखिए, आप लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हो, सरदार शहर के अंदर कांग्रेस को आपने काफ़ी मजबूत भी किया है। आपने विधायक जी दिवंगत विधायक पंडित मोहनलाल शर्मा जी का भी कार्यकाल देखा आपने, और अब अनिल जी का भी कार्यकाल देख रहे हैं, कितना दोनों में अंतर है कार्यशैली में, काम करने के तरीके में? दिन और रात का अंतर है, पंडित जी का कोई मुकाबला नहीं।
वो किसी भी कार्यकर्ता को कभी कोई भी परिस्थितियों में आवेश में आकर अगर कुछ कह भी देते थे, लेकिन वो तुरंत ही उसको वापस बुला के उनको समझाइश करके या पुचकार के वो अपने साथ रखते थे। पार्टी को डैमेज करने वाली कोई स्थिति वो आने नहीं देते थे। बहुत बार मेरे साथ भी हुआ, बहुत बार अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है। मेरे को एक घटना याद आती है कि पंडित जी ने किसी कार्यकर्ताओं को मेरे सामने पूछा कि भाई सब ठीक चल रहा है, तो उसने कह दिया कि राजकरण चौधरी जी आजकल आ नहीं रहे, ये चुनाव नगर पालिका चुनाव के पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि अरे 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 क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने कहा भी कुछ डिफरेंसेज हैं अनिल जी के साथ में और राजकरण जी के साथ में। तो पंडित जी ने उसी वक्त नाराज़गी जताते हुए अनिल जी को बुलाया, उन्होंने कहा कि राजकरण को अभी का अभी बुलाओ, और उनको बैठ के बात करवाई, सुलह करवाई उनकी। तो ऐसा व्यक्तित्व है पंडित मोहनलाल शर्मा का था, वो मेरे को भी कई बार गुस्से में कुछ कह देते थे, मैं बुरा मानता एक बार, लेकिन मैं ऐसा नहीं था कि मैं पार्टी के या उनके खिलाफ हो जाता। ये जो गुण है वो अनिल जी के पास नहीं है। ये अगर गुण होते अनिल जी के पास तो आज उनके पास में ताकत होती और जितने भी आज हम 10-11 जो पदाधिकारी गए हैं या जो जनप्रतिनिधि गए हैं, चाहे वो शिवकरण जी पोटलिया हैं जिला परिषद के, जो कोई राकेश सारण हैं जिला परिषद के, दो मात्र जीते हुए जिला परिषद के सदस्य हैं, वही आपके खिलाफ, हर आदमी आपके खिलाफ। तो मेरे को तो कोई गलती हो सकती है, मेरे को आप निकाल सकते हो, कोई तवज्जो नहीं देगा, आप सारी अपनी ताकत को छिन्न भिन्न कर दोगे तो आपको नुकसान होगा, आप में ही गलती ढूंढेगा आदमी। और मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि अनिल शर्मा के जो सलाहकार हैं वो बढ़िया नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी को बिखेरने का काम कर रहे हैं, अनिल जी को बहुत गुमराह कर रहे हैं। अनिल जी को संभल जाना चाहिए पार्टी में, पार्टी नुकसान पहुंचा रहे हैं जो कार्यकर्ता, जो उनके जो पैरोकार हैं, जो रणनीतिकार हैं। वो पैरोकार तो मैं क्या कहूँगा, वो रणनीतिकार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो उनका काम अपने हित साधना है। अनिल शर्मा जी भोले भाले आदमी है, उनके साथ में छल कपट करते हैं, उनको गलत तरीके से सूचनाएं देते हैं और कान भरते हैं उनके, उनको संभलना। आपने सीट बदलने की बात की, तो आपके हिसाब से कौन चेहरा हो सकता है सरदार शेख कांग्रेस का? सीट नहीं भैया, प्रत्याशी बदलने की बात। हमने सब ने मिल के राजकरण जी चौधरी का नाम सुझाया काजी निजामुद्दीन जी को, और इसकी वजह, हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ 85,000 जाट हैं, जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है सरदार शहर में, और उसके बाद में 60,000 ST के लोग हैं, उसके बाद में 25,000 माइनॉरिटी के लोग हैं, उसके अलावा भी जो कांग्रेस के वोट बैंक हैं वो सब मिलके एक जीत का समीकरण बनाते हैं। इसलिए हमने राजकरण जी चौधरी को आगे करके आलाकमान को ये समझाने की कोशिश की कि ये नाम से हम सीट निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ संजय जी दीक्षित, जो कि लंबे समय से सेवादल के जिला अध्यक्ष हैं, काफ़ी कांग्रेस को मजबूत किए हैं, और आज ये मिले हैं काजी निजामुद्दीन से और सरदार शहर की वस्तुस्थिति से अवगत करवाया कि सरदार शहर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यदि मौजूदा विधायक को फिर से रिपीट करती है कांग्रेस तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। इन्होंने साफ साफ शब्दों में ये भी कहा कि हमने राजकरण जी का नाम आगे रखा है, यदि उनके नाम पर कांग्रेस जाती है तो कांग्रेस यहाँ से सीट निकाल सकती है। सरदार शहर से दिव्य न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।